तो सबसे पहले तुम लोग इस वर्ल्ड के लिए एक प्यारा सा नाम कमेंट करो, और आज हम लोग इस वर्ल्ड में एक आयरन फॉर्म बिल्ड करने वाले, लेकिन अगला क्या बिल्ड करें वो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ भाई अपना आयरन फॉर्म कैसा होने वाला है। तो फिलहाल के लिए हम लोग लास्ट वीडियो में अपने लिए एक प्यारा सा घर बिल्ड किया था, वो भी एक विलेज के पास में, ठीक है? और मैं तुम लोग एक बार टूर दिखा देता हूँ जिसको नहीं पता हम लोगों ने क्या क्या है किया इस घर में। तो ये बेसिकली ये अपना घर है, कुछ ऐसा सा दिख रहा है अंदर से, लास्ट टाइम उन्होंने बिल्ड किया था, ठीक है? तो ये तुम लोग देख सकते हो, और अभी काम करते हैं, बाहर चलते हैं। ओके, तो ये अपना बाहर का लुक है घर का, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने को भी। ये अपना प्यारा सा घर जो हमने लास्ट टाइम बिल्ड किया था, ठीक है? और आज मैं सोच रहा हूँ अपने लिए अनलिमिटेड आयरन फार्म हम लोग को बिल्ड कर लेना चाहिए। तो काम करते हैं, वो बिल्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ जो ये अपना विलेज है भाई बहुत ज्यादा नीचे है, और विलेजर लोग को ऊपर लेके आने में अपनी वाट लग जाएगी। तो कोई ना, लेकिन छोड़ते हैं अभी के लिए, एक काम करते हो, ढंग की जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हम लोग अपना आयरन फार्म बिल्ड करने वाले। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरफ में बिल्ड करना चाहिए अपने को, जो कि बेसिकली यार विलेज से थोड़ा दूर रहेगा, तभी जाके आयरन स्पॉन होंगे, मतलब आयरन गोलम स्पॉन होंगे, नहीं तो भाई अपनी मेहनत की वाट लग जाए। मैं सोच रहा हूँ ना यार अपना आयरन फार्म इस जगह पे बिल्ड करते हैं, क्योंकि ये विलेज से दूर भी हो जाएगा और बारिश की कमी रह गई थी। तो कोई ना, एक काम करते हैं फटाफट से जगह प्लेन करते हैं, अभी अपने पास आयरन इतना है। तो यार पहले इस जगह को प्लेन करते हैं। अभी देखो मेरा जो वर्ल्ड का हाइट है वो कितना है पता है अभी? तो यहाँ पे मेरा वर्ल्ड का हाइट 77 है, जिस पे मेरा घर बिल्ड है, ठीक है? तो मैं सोच रहा हूँ इसी हाइट पे मैं अपना आयरन फार्म भी बिल्ड करना चाहता हूँ। तो मुझे इसको मतलब इस एरिया को पूरा यहाँ से प्लेन करना पड़ेगा, जिसमें मेरा बहुत टाइम जाने वाला है। तो कोई ना यार, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको प्लेन करते हैं, क्योंकि भाई लुक अच्छा आना चाहिए ना, कल को ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा तो लुक तो अच्छा आना ही चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको एकदम प्रॉपर तरीके से प्लेन करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लगने देते हैं, लेकिन भाई वर्ल्ड का लुक एकदम ओपी होना चाहिए। देखो बहुत ज़्यादा हद तक प्लेन कर दिया, और इसमें सही बता रहा हूँ मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, ठीक है? और ये रहे इतने सारे, और आधे से ज़्यादा मैं फेंक चुका हूँ भाई, सही बता रहा हूँ। तो काम करते हैं, अभी जो इतना एरिया प्लेन, मैंने इस जगह को बहुत ज़्यादा हद तक प्लेन कर दिया है, और मुझे यार ये आयरन फार्म को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, क्योंकि भाई मेरे को फ्यूचर में उसको अपग्रेड बिल्कुल नहीं करने का मन कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ यार एक ही बनाते हैं, लेकिन अच्छा बनाते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए फ्यूचर में। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे 19x19 का एक प्रॉपर मतलब एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, 19x19। तो मैं सोच रहा हूँ इतना इधर ठीक रहेगा, आ जाएगा, मेरे को लगता है यहाँ से 19 ब्लॉक तो ईजी आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ठीक है? यहाँ से 19 आ गया, फिर अपना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो यहाँ से 19 आ गया, अब यहाँ से खींचते हुए आगे तक लेके जाना है, क्योंकि अपन ने एक बार तो काम कर ही दिया है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, और यहाँ से अपने को खींचना है इसको यहाँ तक। तो एकदम प्रॉपर 19x19 का मैंने एकदम स्क्वायर बना दिया है, और ये आयरन फार्म मैं थोड़ा अलग सा बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो लो इतना काम हो चुका है, अभी इसको ऐसी वेस्ट है अपना, फालतू किसी काम का है नहीं है। तो इतना बड़ा स्क्वायर बन गया, लेकिन अभी एक और काम बचता है कि अपने को ना अभी इधर एक ब्लॉक को मतलब इसको पूरा खाली करना है, लेकिन कैसे ना, एक ब्लॉक छोड़ के। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक ब्लॉक अप कर देते हैं इसको बेसिकली, ठीक है? यहाँ पे मैं डर्ट लगाऊं कि कॉबलस्टोन लगाऊं, फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ डर्ट ही लगा देना चाहिए यार, क्योंकि अभी इतना कॉबलस्टोन नहीं है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे डर्ट लगाने वाला हूँ, ठीक है? अभी तुम लोगों को बता रहा हूँ कैसा बनेगा। तो यहाँ पे डर्ट लगाते हैं, फिर बहुत सारा डर्ट है यार, एक काम करते हैं यहाँ पे ले लेते हैं। तो ठीक है, डर्ट मैंने ले लिया है, और फटाफट से यहाँ पे डर्ट लगाते हैं, और उसके बाद इस एरिया को पूरा ग्राइंड करना है अपने को, पूरा इसको एक ब्लॉक मेरे को खोदना है इसको पूरा एक ब्लॉक, ठीक है? इसमें मेहनत है लेकिन अच्छा बनेगा। इतना काम तो हो चुका है, और अब मैं बताता हूँ क्या करने का बोल रहा था मैं, ठीक है? तो अभी यहाँ से एक ब्लॉक छोड़ दिया हूँ, और अब मुझे यहाँ पे पूरा एक ब्लॉक नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है? एक ब्लॉक नीचे जाएंगे तब जाके अपना वाटर यहाँ से फ्लो करने वाला है। तो मतलब ये हो गया 19, ये हो गया 18, अभी 17 से अपने को डिग करना स्टार्ट करना है। और ये आयरन फार्म थोड़ा सा अलग होने वाला है, और थोड़ा सा अच्छा भी होगा बाकी सब फार्म से, क्योंकि ये भाई 110% अच्छा चलेगा, ठीक है? प्रॉब्लम नहीं देगा फ्यूचर में। तो एक काम कर लेते हैं, ये काम करते हैं यहाँ पे फटाफट से हम लोग। भाई ग्राइंडिंग के काम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार, मुझे एक बीकन बना देना चाहिए, लेकिन अभी यार अपने पास बिल्कुल भी सामान नहीं है। हम लोग बीकन के अभी डायमंड के आर्मर भी अपग्रेड नहीं किया है। तो ठीक है यार, एक बार आयरन का फार्म बन जाए तो मैं बीकन सबसे पहले बनाने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि बीकन मेरे को बहुत ज़्यादा जरूरत होने वाला है।
तो मैं बीकन जरूर से बनाऊंगा, बस तुम लोग कमेंट करके बताना कि मेरे को बीकन कौन सी किसका बनाना चाहिए, आयरन का बनाना चाहिए, गोल्ड का कि डायमंड का, ठीक है? तो मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना। ओके, तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ओके चलो भाई, हो जा फटाफट से बेटे। टाइम तो लगता है यार उसको। यार मेरी शवल भी, यार कम से कम 3 शवल तो वहां लग गई, ये मेरी फोर्थ शवल है और इसकी जो भी वाट लगने वाली है। और अब मैं स्टोन का शवल यूज करने वाला हूँ भाई। आयरन मेरे पास इतना नहीं है कि मैं यहाँ पे वेस्ट कर सकूँ हर बारी, तो एक बार ये खत्म हो जाए तो मैं अभी भाई स्टोन के शवल ही यूज करने वाला हूँ। तो बस इसको ग्राइंड कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पे। चलो भाई ऑलमोस्ट हो ही गया यार, इसको नहीं करना था यार खराब। क्यों हरकत होती है भाई तेरा बस? तो फटाफट से यार और स्टेट्स बना लेने चाहिए थे मुझे पहले ही। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ यार, इन फ्यूचर मेरे को आगे भी लगने ही वाला है, तो मैं 20 बना लेता हूँ यहाँ से। तो चलो इतना काम हो चुका है, अभी फटाफट से चलते हैं और इसको काम को पूरा करते हैं। कुछ तो गलती हो गई है अपने से यार, पता नहीं क्या हुई है। लेकिन एक सेकेंड, एक तरफ 6 है, एक तरफ इतना काम क्यों हो रहा है? 1 2 3, अब समझा, अब समझा ऐसा क्यों हो रहा है। पिकेक्स दो भाई मेरी। ओके इसको तोड़ो, इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ो भाई। अभी रात का वक्त हो गया, ज़ॉम्बी क्रीपर आएंगे जरूर से, 1010% आएंगे भाई ये लोग। एक सेकंड देना बस मुझे, यहाँ पे लगाना है ऐसे करके, जहाँ पे 6 हुआ है ना भाई वहां पे मेरे को एकदम प्रॉपर बिल्ड करना होगा। जहाँ पे 6 हो चुके हैं इसकी नहीं भाई, इसकी जरूरत है ऐसे। हाँ अब मेरे को सेंटर बनेगा क्योंकि यहाँ पे भी पक्का 4 होगा। 1 2 3 4 5, 5 है क्या? अब देखते हैं। ओके तो ये रहा आपका सेंटर भाई। मैं बोल रहा था ना कुछ तो गलती हो गई है, एक ब्लॉक के वजह से ना भाई पूरा बिल्ड खराब हो जाता है, वही बात है। तो अब बस इतना काम अपना हो चुका है। ओके जो कि बहुत सही भी लग रहा है देखने को भी। बस क्रीपर ना आ जाए यार, इतना मुश्किल से इतना बिल्ड किया है ना भाई, क्रीपर ना आ जाए बस यहाँ पे। चलो इतना काम अपना हो चुका है और अब बाकी जो काम है मेरे को हवा में करना है भाई। एक काम करते हैं, सबसे पहले सो जाते हैं, सो के आते हैं कि भाई रात के टाइम में क्रीपर मतलब ज़ॉम्बी स्कैटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्रीपर से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे को। ओके तो मैं यहाँ पे एक माइन शाफ्ट में आ गया हूँ और सही बता रहा हूँ यार, माइन शाफ्ट ढूंढने में जरा टाइम लगा नहीं, क्योंकि मेरे घर के नीचे की तरफ में था। तो मैं सोच रहा हूँ अगर मेरे को यहाँ से अगर एक माइन कार्ट मिल जाते तो काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है? और माइन कार्ट में अगर नेम टैग मिल जाए तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी अपने लिए। तो एक काम करते हैं, जॉम्बी आ रहा है, आ जा बेटे आ जा, तेरे से कौन डरता है यार, है कौन डरता है यार तेरे से, बता दे तू जरा। एक काम करते, अरे यार यहाँ तो ये उस तरफ जाके देखते हैं, पता नहीं क्या हो, कुछ मिल जाए कुछ ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। ओके यहाँ पे भी बिल्ड हो रखा है, कूद जाना मेरे भाई। ओके अगर यार मेरे को यहाँ से अगर नेम टैग मिल जाएगा तो मेरा काम सही बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे स्पॉनर है, इससे दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये जहरीली मकड़ी आ जाएगी। ओ फाइनली माइनकार्ट, और कोई तो है नहीं ना यहाँ पे। और एक नेम टैग मेरे को लग ही रहा था यार, मेरे को नेम टैग मिल ही जाता है यहाँ से, और रेडस्टोन मिला है तो मैं ले लेता हूँ ना अभी आया हूँ तो। और देखते हैं यार अगर और एक माइन कार्ड और मिल जाता है तो नसीब और ज्यादा अच्छी हो जाएगी अपनी। तो चेक करते हैं यार, ढूंढते हैं यहाँ पे। ओके यहाँ पे हो सकता है यार। ओके तो यार नेम टैग मेरे पास आ चुका है, लेकिन अपने पास एनविल तो है ही नहीं यार इसमें नाम रखने के लिए। तो मैंने क्या एक चीज सोच रहा हूँ बेसिकली, तो हम लोग यार एक काम करेंगे ना, आयरन गोलम मतलब बेसिकली अपने पास जब फार्म बन जाएगा तो मैं बाद में इसका नाम रख सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि जॉम्बी भी स्पॉन नहीं होगा तब तक, क्योंकि मैंने एक बार आयरन फार्म बिल्ड किया था उसमें एक जॉम्बी का नाम नहीं दिया था और लिटरली वो बंदा अभी तक जिंदा है। तो मैं सोच रहा हूँ हम लोग ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका नाम बाद में रखने वाला हूँ। तो अभी काम करते हैं, सबसे पहले विलेजर लोग को ऊपर ले जाना सबसे बड़ा टास्क होने वाला है मेरे लिए। और सही बता रहा हूँ यार, ऊपर से विलेज भी इतना नीचे की तरफ में ना यार, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा। तो सबसे पहले एक प्रॉपर एरिया बिल्ड कर लेते हैं, बेड वेड बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है? एक या फिर सबसे पहले विलेजर लोग को लेके आते हैं यहाँ पे ना। यहाँ पे एक बेड आ गया, ठीक है? यहाँ पे बेड आ गया तो इसके नीचे एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा मुझे। चलो यहाँ पे ऐसा हो चुका है जो कि देखने को भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अगर एक वर्क स्टेशन आ गया सामने वाले का तो एक, ठीक है? यहाँ से 2 3, और ये हो गया अपना विलेजर का रहने का एरिया। तो फाइनली ये समझो ये डर्ट, अभी अभी के लिए मैं डर्ट लगाया हूँ, लेकिन ये अपना वर्क स्टेशन होने वाला है। और थोड़ा इसको सेंटर में ला के रख देता हूँ, तो ठीक है लो ये अपना काम हो चुका है, ठीक है? यहाँ पे अपना जॉम्बी आएगा और यहाँ पे अपने सब विलेजर्स रहने वाले हैं। तो अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे विलेजर्स लोग को लेके आ जाता हूँ, ठीक है अभी के लिए? यार मैंने विलेजर्स लोग को तो बोर्ड पे बैठा दिया है, लेकिन अभी सबसे मेन टास्क होने वाला है कि इसको पहाड़ के ऊपर से यार अपने आयरन फार्म तक लेके जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ लीड के हेल्प से लेके जा सकते हैं, और लीड तुमको पता ही है मुझे कहाँ से मिला होगा। तो
तो ठीक है, काम करते हैं। सबसे पहले यार यहाँ पे प्रॉपर सा एरिया बनाते हैं ताकि अपना बोट ऑलमोस्ट यहाँ तक तो आ जाए। और फिर मैं सोच रहा हूँ यार लीड के हेल्प से अगर मैंने यहाँ पे पानी लगा दिया तो मैं खींच के उसको ऊपर लेके जा सकूँ, तो भाई बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा उसमें। तो ठीक है यार चलते हैं सबसे पहले तो यहाँ तो ऊपर की तरफ में, और देखते हैं अगर ये आइडिया सही होता है तो भाई बहुत ज्यादा काम आसान हो जाएगा अपना। ठीक है तो यहाँ तक तो अपने को चाहिए, और यहाँ से पानी एकदम प्रॉपर तरीके से चले जा भाई, वहां तक चले जा जहां तक मैं चाह रहा हूँ। यहाँ पे भाई अनलिमिटेड वाटर रिसोर्स बना हुआ है यार। गया क्या? ओके मेरा काम हो चुका है, बस मेरे को देखना है कि अगर मैं लीड के हेल्प से इसको खींच पाऊँ तो मेरा काम सही में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो तो अब एक बोट में लीड लगाते हैं, और मैंने प्रॉपर यहाँ पे 3 विलेजर्स को लेके आ चुका हूँ। ओए आना आगे, चलो मैं ऊपर चलता हूँ और देखते हैं अगर ये बोट से आ पाए तो लिटरली यार सही में बहुत ज्यादा काम आसान हो जाएगा। ओ भाई आ गए आ गए आ गए आ गए भाई, काम आसान हो गया। पानी में रहे भाई, पानी में रहे भाई, पानी में रहे, ये सही में बहुत सही तरीका है भाई। आ जा जल्दी आ जल्दी आ, ऊपर आ ऊपर आ ऊपर। ओ फाइनली एक तो विलेजर में ला दिया यहाँ पे, अब बाकी 2 और लेके जाने इसी तरीके से। भाई क्या सही आइडिया लगाया ना यार, मतलब मेरे को लगा था ऐसा हो सकता है। भाई हम लोग बैठ के नहीं जा सकते लेकिन हम लोग लीड के हेल्प से जरूर से लेके आ सकते हैं। एक सेकेंड, एक लीड कहाँ गई? गिर गई लगता है यार, उठाना पड़ेगा मेरे को जाके उसको। बस फटाफट से चलते हैं यहाँ से पानी के हेल्प से हम भी ऊपर, और अपना विलेजर भी यहाँ पे आ ही जाएगा फटाफट से। मैं इतना मुश्किल सोच रहा था यार, जो सबसे ज्यादा आसान काम रहेगा अपने लिए। चलो तो अपने पास अपनी लीड भी आ चुकी है एक्स्ट्रा वाली, और यहाँ से एक लीड मैं ले लेता हूँ और उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। तो चलो भाई आ जाओ फटाफट से आ जाओ बस। एक तो भाई सबसे आसान है भाई, इसको तो ऐसे ही खींच के ला दूंगा मैं यहाँ से, जल्दी से आ जाओ। ए भाई ये लीड से ज्यादा आसान है यार, लीड से सही बहुत ज्यादा आसान है भाई। इन लोग को लेके आना, बस ऊपर भी चढ़ जाता है, हैं ऊपर भी चढ़ जाता है यार लीड के हेल्प से। तो आ जा जल्दी आ जल्दी आ, एक को तो ला दिया हूँ, तेरा तोड़ देता हूँ मैं यहाँ से। भाई लीड दे दे यार, लीड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए अभी। मैं सोचा यहाँ पे मेरे को इतना सब बिल्ड करना पड़ेगा, भाई लीड के हेल्प से तो इतना आसान हो जाता है। बेफालतू में लोग यार इतना पिस्टन विस्टन लगाते हैं, भाई तुम तो लीड का यूज किया करो। चलो ऐसे कूद के लेके आने का, कूद के लेके आने का ठीक है। अभी देखो तुम कूद के लेके आओगे ना तो तुम्हारा फटाफट से भाई, ओए तो बेड वेड मिल गया? मेरा बेड मत छूना भाई, बता दे रहा हूँ अभी से। ये बंदा भाई मेरे बेड पे नजर मार रहा है, मेरे को पक्का पता है। चलो सर जी आ जाओ, अभी आ जाओ, आपका बेड यहाँ पे लगा है, यहाँ पे यहाँ पे। मस्त सा होटल है आपके लिए यार, यहाँ पे आओ आप, अंदर नहीं आना है बस आपको। ओके ये लीड भी दे दे भाई। ओके अब लास्ट विजर को लेके आते हैं और अपना ये काम खत्म करते हैं यहाँ से। चलो सर जी तुम्हारा काम कूद के लेके आने का, बस भाई कूद के लेके आने का लोग को। अबे यार लग जा भाई, कभी कभी लीड लगती भी नहीं है, वही बात है। ओके भाई सब उड़ उड़ के आते हैं ना ये लोग, सही लगता है भाई। ओके चलो अगर मैं ऐसी ऐसी नॉर्मल नॉर्मल लेके आऊँ तो आएगा ऊपर? नहीं आया ना ये भाई, ये है के भाई, ये मैंने बनाया है भाई सीधा सीधा। अगर तुम ऐसे कूद कूद के ब्रेजर को लेके आओगे तो भाई वो कहीं भी चढ़ जाएगा, लिटरली वो कहीं भी चढ़ जाएगा, बस तुम्हें कूद कूद के लेके आना है। अभी देखो मैं कूद के ला रहा हूँ और ये चढ़ गया ऊपर। देखिए अब मैं नॉर्मल लेके आ रहा था, नहीं चढ़ रहा था, लेकिन मैं कूद के लेके आ रहा हूँ तो चढ़ जा रहा है। एक काम करता हूँ मैं अपने बेड तोड़ देता हूँ सबसे पहले, तो इन लोग की नजर है मेरी बेड पे गई है, मेरे को पक्का पता है। तो एक काम करता हूँ अपना बेड तोड़ देता हूँ, मैं बाद में लगा लूंगा, क्योंकि ये लोग बाय चांस मेरे घर में घुस गए तो बार ये लोग वाट लगा देंगे। मैं अपना घर भी लॉक कर देता हूँ पूरी तरीके से, अब मैं क्यों कूद रहा हूँ भाई है। चलो सेफर साइड के लिए मैं अपना घर ही लॉक कर देता हूँ, ये लोग मेरे घर में घुसने वाले हैं पक्का। तो अभी यहाँ पे मैं घर लॉक कर दिया हूँ हो चुकी है, और अब बारी है इन लोग को ऊपर भेजने की। तो सबसे पहले भाई तू जाएगा, मारना नहीं था वे मुझे तुझे, भाई ऊपर चले जा भाई प्लीज ऊपर। हाँ हाँ देख ऊपर तेरे लिए घर बहुत बहुत अच्छा घर बनाया है, तू भी जा, तू भी जा भाई, तू भी जा ऊपर है, ऊपर है भाई ऊपर, एकदम प्यारा सा घर है यार तेरे लिए। एक बंदा बहुत दिमाग वाला था उससे चला गया है, अभी ये भाई साहब भी चले जाए तो बहुत ज्यादा काम आसान हो जाएगा अपना। भाई तुम भी चले जाओ यार ऊपर। ओए ये कहाँ जा रहा है यार, ओए ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा। ये देखो ये तो काम पे भी लग गया है, बस ये लोग का सोने का इंतजार है। एक बार ये लोग सो जाए तो मेरा काम से बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा यार, प्लीज ऊपर चले जाए यार, क्या कर रहा है। फाइनली यार अपना इतना काम करके रेडी हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या किया है रात भर में। तो सही बता रहा हूँ यार वाट लग गई थी, तो कोई ना ये देखो मेरा फिलहाल के लिए गिरना नहीं है मुझे। तो इतना काम मैंने रात की रात में कर दिया है ठीक है। यहाँ पे जॉम्बी भी आ चुका है अपने, तीनों के तीनों विलेजर्स भी आ चुके हैं, बराबर डर भी रहे। तो एक काम करते हैं अभी जब तक कैरन ग्लोब यहाँ पे स्पॉन नहीं हो रहा है यार, तो मुझे एक काम करना है ऊपर एकदम प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाना है, और वहां से ऐसा सिस्टम करना है कि बस इतना पानी प्रॉपर नीचे की तरफ में आ जाए ठीक है।
तो टाइम लगता है यहाँ पे आयरन गोलम को स्पॉन होने में, और ये अपना अच्छी बात भी फिलहाल के लिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस एरिया को प्रॉपर बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रॉपर फ्लोटिंग सिस्टम सेट करेंगे, जिससे कि ये अपना एकदम प्रॉपर काम भी हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आ जाएगा, ऐसे यहाँ से सामने की तरफ से गिरेगा तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो एक ब्लॉक और जाएगा यहाँ से, तो ऐसा हो जाएगा 1 2 3 ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो इतना टाइम यहाँ से हो चुका है, और अब बस यहाँ पे भी अपने को 2 ब्लॉक जितना खींचना पड़ जाएगा, इससे कि मुझे प्रॉपर काम कर देना है। अपने पास बहुत सारा कॉबल स्टोन है, तो यहाँ पे इतना काम हो चुका है ऐसे करके। ये देखो यहाँ पे ग्लोब स्पॉन भी हो गया ना, एकदम प्रॉपर जगह पे स्पॉन हुआ है भाई, एकदम प्रॉपर जगह पे। तो तुम लोग देख रहे हो अपना आयरन फार्म ने एकदम प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। और अब मेरे को क्या करना है ना, यहाँ पे यार एक क्राफ्टिंग टेबल जितना है क्या? हाँ तो एक ठीक है, मेरे को बार बार नीचे जाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं यहाँ पे लगा था क्राफ्टिंग टेबल। मुझे चाहिए होगा अभी के लिए वो स्लैब, नहीं यार वो लगता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड यार, ये रहता है ना अपना, अरे बाउंड्री वॉल क्या बोलते हैं इसको, ऐसे रहनी है। अभी काम करते हैं, इसको फेंको ऊपर, इसको फेंको ऊपर, डर्ट है तो दे दो, बाद में इन सब कचरे को साफ करूंगा मैं सीधा सीधा यहाँ से। और लोग तो भाई तू यहीं पे खड़ा रहे, अभी तेरे तेरे पे एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ मैं। तो फेंस गेट लगेंगे ऐसे 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 और ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, गलत लग गया ना एक, मेरे पास अभी है भी नहीं, एक्स नहीं है तो उसको हाथ से तोड़ देते हैं। ओके सर, इतना हो चुका है ऐसे ऐसे, और लो फाइनली अपना इतना काम हो चुका है। अभी काम करना है इनको खोल देना अपने को, ताकि अपने एक भी गोला यहाँ पे अटके ना। तो अब इनको मेरे को खोल देना है, ताकि ये लोग सब नीचे गिरते जाए, इस वाले की जरूरत तो नहीं है तो तोड़ देते हैं इस वाले को। चलो तो इतना काम अपना बन के रेडी हो चुका है। ओके, और यहाँ से मेरे को क्राफ्टिंग टेबल भी, एक्स तो नहीं है, सही में नहीं है भाई, तो क्राफ्टिंग टेबल भी तोड़ देते हैं। और अब मुझे कम से कम वाटर बकेट लगेगा यहाँ पे बहुत सारा, एक तो काम करता हूँ पानी भरो यहाँ पे। देखो अभी ये बंदा सीधा यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन अभी नहीं जाने वाला है, मुझे यार यहाँ पे बहुत सारा पानी लगने वाला है। तो फाइनली अपना आयरन फार्म बन के रेडी हो चुका है, और ये रहा अपना आयरन फार्म, ठीक है। और तुम लोग देख सकते हो कितना ज्यादा सही लग रहा है, और एकदम टाइम पे बना है। देखो वहां से आया गिरा, और अभी नीचे आके दिखाते हैं कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है ये। तो यहाँ पे बेसिकली हमको यहाँ से नीचे जाना है, और ये रहा अपना आयरन गोलम भाई। इसके देखो बहुत बुरा हाल होता है यार यहाँ पे लोग का, तो कोई ना, लेकिन यहाँ पे देखो ये आयरन यहाँ पे स्मेल्ट हो गया, और यहाँ पे टोटल 15 आयरन अपने पास जमा भी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे चार, इसलिए यहाँ पे चार है, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 3, मतलब देख रहे हो इतना जल्दी अपने पास इतना आयरन जमा हुआ है ना भाई, मैं क्या बताऊँ। तो तुम लोग भी यार ये स्टाइल का आयरन फार्म जोर से बिल्ड करो, क्योंकि भाई बाकी जितने आयरन फार्म है ना भाई, सब फालतू है भाई, सब फालतू है, क्योंकि उनसे इतना आयरन बनता ही नहीं है। देखो अभी यहाँ पे एक और आयरन आ चुका है, अब तुम लोग को लग रहा होगा कि भाई मैंने स्पॉनर लगाया है, बाई चांस बहुत लोग को लगता है कि मैंने स्पॉनर लगाया है, मतलब ऐसा जरूरी होता नहीं कि माइनक्राफ्ट में बहुत से फार्म काम करे। तो मैं तुम लोग को एक प्रूफ भी दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पॉनर का भी यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक बार तुम लोग को प्रूफ दे देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रहा, ये रहे हम लोग का प्रूफ। तो यहाँ पे यार कोई भी तरीके का स्पॉनर नहीं लगा है, मतलब अपना आयरन फार्म एकदम 110% रियल तरीके से काम कर रहा है, अभी जावा में। तो तुम लोग इसको बेडरॉक में भी बिल्ड कर सकते हो, और वहां पे भी ऐसे ही काम करेगा। यहाँ पे देखो एक और आयरन गोलम स्पॉन हुआ, और ये वापस से जाएगा। ये मैंने फेंसिंग इसलिए किया है क्योंकि यार आयरन गोलम ऊपर स्पॉन हो रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे फेंसिंग कर दिया है, और यहाँ पे ट्रैप डोर लगा दिए। बाई चांस स्पॉन भी होता है ना, तो यार वो गिर जाएगा, सोचा कि यहाँ पे ब्लॉक है, लेकिन ब्लॉक है ही नहीं वहाँ पे, और वहां से जाएगा सीधा नीचे। और तुम लोग देख सकते हो अपना आयरन फार्म कितना ज्यादा सही बना है। तो तुम लोग यार कॉमेंट बॉक्स में बताना हम लोग अगला क्या फार्म बिल्ड करें, या हम लोग यार अपने लिए आयरन का, बेसिकली यार डायमंड का आर्मर बिल्ड कर सकते हैं, वो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे अगला यार बीकन बिल्ड करना है, ठीक है। तो ये फार्म बेसिकली मैंने बीकन के लिए ही बिल्ड किया है, और तुम लोग के सामने इतना सारा आयरन जो भी स्पॉन हो रहा है ना भाई, जो कि बहुत सही लग रहा है। तो यार मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और लाइक गेम यार मैं 50 रखता हूँ, कंप्लीट जरूर से कर देना, ठीक है।